नहीं होती है हमारी फ्रेंडशिप में, प्लानिंग नहीं होती, जो होती है धमाल मस्ती मस्ती होती है और इम्प्रॉम्प्टू भी होती है, क्योंकि आई थिंक सलीम हो मैं हूँ, हम लोग दोनों बहुत स्पॉन्टेनियस किस्म के लोग हैं, तो बस जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार टाइप की, दो यार मिल जाए तो यही होता है हमेशा, और हमेशा ऐसे ही होता रहा। बट शान अभी सिंस ही इज आस्क्ड अ क्वेश्चन, व्हाई डू वी प्ले अ मैच ऑन ऑन संडे, संडे भी है 6th ना, 6th को संडे भी है, हाँ मैं वो बिजी हो कुछ करजत से, हाँ आई एम गोइंग पुणे, अच्छा तो वो थोड़ा सा वो पानी फाउंडेशन का कुछ है तो व्हाटएवर, but we should do a match on Saturday or something, super kuch plan karke, let's do a thank you for asking this question, we'll plan something, nahi nahi hamari aapne bataya 25 years se aap jante hain to aap ek dusre ki ek koi quality aapko jo bahut achhi lagti hai Shaan ki aur aapki, Shaan ki ek ek quality main kahunga which is really amazing that he is very very spontaneous, bahut zyada like kuch baat hote hi wo usko pakad ke usko itna itni achhai se usko kuch keh dete hai ya uske usse judi ek koi एक स्टोरी होती है या यू नो व्हाटएवर, एनी ही इज वेरी स्पॉन्टेनियस, कोई किसने कुछ कहा कुछ ने कुछ वर्ड एक मिल गया तो वर्ड को उससे खिलवाड़ करके कुछ बना देते हैं विच इज़ रियली अमेजिंग। नहीं सलीम की पॉजिटिव बात ही है उसकी पॉजिटिविटी, वो हमेशा हर चीज़ को एक पॉजिटिव नज़रिए से ही देखते हैं और उसमें हमेशा हर चीज़ में एक अच्छाई निकाल लेते हैं, तो ये मैं भी इस चीज़ को खुद में अपनाने की कोशिश करता हूँ और कई बार जब साथ में रहते तो ज़रूर कई ऐसे करता हूँ तो सलीम बोलता क्यों ऐसा सोच रहा है ऐसे सोच रहा है, तो आई लाइक दैट, तो आई लर्न दैट फ्रॉम हिम, सो इट्स अ गुड थिंग। ऐसे तो बहुत मेमोरीज हैं हमने, बहुत बहुत ट्रिप्स किए हैं, बहुत यू नो कई वी बीन टू लाइक हम लोनावला गए थे बीच में नहीं, नहीं, बहुत पहले, और एंड दिस सलीम मेरी कॉमन फ्रेंड है सागरी का, माई सिस्टर, या और उन लोग साथ में एक और कॉमन फ्रेंड के साथ स्टार्टेड एज अ बैंड, ऑफ कोर्स सलीम मूव्ड ऑन बट वी एज फ्रेंड फिर हमारी दोस्ती रह गई। ऑल्सो हम क्रिकेट बहुत खेलते थे, हम लोग क्रिकेट बहुत खेलते थे, सो दिस इज बिफोर द म्यूजिकल साइड ऑफ इट, कि हम पहले ये म्यूजिक वर्ल्ड से जुड़ने से पहले हम पहले दोस्त थे। सलीम की ड्राइविंग, सलीम और सुलेमान की ड्राइविंग, बाप रे बाप किला, तो हमने बहुत सारी पार्टीज में जाते थे, घूमते घामते थे, वी यूज्ड टू डू हैव अ लॉट ऑफ फन बैक इन द डे। यार ये मैं नहीं मानता हूँ, ये एक्चुअली ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा, हमारे लिए तो रोज़ फ्रेंडशिप डे है यार, हाँ ये क्या है ये फ्रेंडशिप डे, आई मीन ये बहुत अच्छी बात है कि दुनिया ये फ्रेंडशिप डे एक डे ऐसा मना लिए कि मनाते हैं, पर ऑनेस्टली दोस्तों में कोई डे का कुछ वो अहमियत नहीं होती है, इट्स अ एवरी डे इज फ्रेंडशिप डे, और आई थिंक हमारी दोस्ती उस जमाने की थी जहाँ ये 6 अगस्त फ्रेंडशिप डे हमें नहीं पता था, हाँ अभी अभी पता चला है, अब ये वैलेंटाइन डे फ्रेंडशिप डे वैलेंटाइन डे तक पता था, हाँ वैलेंटाइन डे पता था, वो हम लोग की बहुत किस्से हैं वो अभी नहीं बताएंगे। हाल ही में हमारे एक ये बोलना नहीं चाहिए ना कैसे, हाँ एक बहुत ही हमारा एक दोस्त है, कॉमन फ्रेंड है, बहुत अच्छा दोस्त है, उसका हाल ही में एक एक्सीडेंट हो गया एंड ही इज नो मोर नाउ, बट यू नो वी स्पेंड सम ग्रेट टाइम्स बैड टाइम्स टुगेदर, हाँ और इसके साथ सोशल मैसेज ज़रूर हम देना चाहते हैं कि जो भी हमारे यंगस्टर्स जो भी है चाहे शॉर्ट डिस्टेंस भी हो हमेशा हेलमेट पहना कर, उसका बाइक बाइक एक्सीडेंट हुआ उनका बिना हेलमेट पहने इस वजह से, तो डेफिनेटली हेलमेट हमेशा पहनिए, इवन इफ यू आर राइडिंग विद समवन दोनों हेलमेट पहने जब भी आप बाइक पे हो, और वो हमारा बहुत करीब और हर बहुत धमाल किए हैं साथ में। मुझे तो यही लगता है कि पता नहीं ये हम जितनी भी हम बातें करेंगे धमाल करेंगे वो एक एपिसोड में ख़त्म होगी या नहीं, इसके तो बहुत यानी काफ़ी सारे इतनी कहानियां हैं इतने किस्से हैं दैट मेरे हिसाब से ये तो चलता रहेगा। I think Swapna, we will have to tell us to stop. कट करने के लिए कहना पड़ेगा, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। दूसरी चीज़ के मैं शान की आवाज़ बहुत मधुर है, बहुत ब्यूटीफुल है, तो मैं कुछ ऐसी फरमाइशें करूँगा जो शायद विच आई एम श्योर शान विल रियली लव, कुछ पुरानी बातें कुछ नई और कुछ ऐसी बातें जो हम सबको बहुत हम सब के दिल के बहुत करीब है, जैसे कुछ गाने ऐसे हैं जो जिसको सुन के हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर, वो सब गाने की बातें करेंगे, कुछ म्यूजिकल होगी कुछ पर्सनल होगी, इट बी फन। नहीं बिल्कुल हमें कभी ये मौका नहीं मिला हमारी दोस्ती के बारे में कहीं भी
किसी भी प्लेटफॉर्म में बातें करने के लिए, तो कई लोग शायद ताज्जुब भी होंगे कि सलीम शान इनकी दोस्ती कब हुई, क्या हुई, बिकॉज वी हैव नेवर रियली स्पोकन अबाउट इट, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम. तो ये बहुत अच्छा एक अच्छा बहाना है कि जहाँ हम वी कैन गो बैक मेमोरी लेन एंड टॉक अबाउट म्यूजिक. एंड ऑफकोर्स सलीम के इतने सारे ऐसे गाने हैं जो टाइमलेस गाने हो चुके हैं, जो मतलब हाँ, तो मज़ा आएगा.